Hello students, this presentation is for the students of class 10 subject mathematics, and the topic of the presentation is converse of basic proportionality theorem. Converse of basic proportionality theorem. Converse of basic proportionality theorem क्या है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी में एक लाइन ऐसी ड्रा की कि जिसने इसके दो साइड्स ए बी और ए सी को डिवाइड किया एट डी एंड ई सच दैट ए डी डिवाइड बाई बी डी इक्वल्स ए ई डिवाइड बाई सी ई देन वी हैव टू प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट इन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी ट्राइंगल में हम क्या देख लेंगे? वहीं से जो दिया है ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल ए ई डिवाइड बाई सी ई. पुट दिस इक्वेशन फर्स्ट. इट इज गिवन. ये क्या है? इट इज गिवन. एंड वट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? एज्यूमिंग, ध्यान दो, एज्यूमिंग हम खुद एज्यूम करते हैं दैट डी ई जो है इज नॉट पैरेलल टू बी सी. पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल डी ई, डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ये हमने एज्यूम किया. अगर डी ई नहीं है देन डी ई के बदले कोई और लाइन है, लेट इट बी डी ई डैश. बट इसकी जगह क्या है? डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी. तो अब अगर हमने एज्यूम किया कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, देन एज पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फिर ए डी डिवाइडेड बाई बी डी किसके बराबर निकलेगा? इट विल बी ए ई डैश डिवाइड बाई सी ई डैश. ए ई डैश डिवाइडेड बाई सी ई डैश. पुट दिस सेकेंड, इसको हम रीजन लिख भी सकते हैं बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो अब आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जरा देखिए, यहां भी एडी बाई बी डी, यहां भी एडी बाई बी डी, दैट मीन्स दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. दैट मीन्स आर एच एस बी क्या होंगे? इक्वल. This means AE divided by C divided by CE is equal to AE dash divided by CE dash. अब यहां हम क्या लिखेंगे? Adding one to both sides, one to both sides. अगर दोनों साइड से add कर लेंगे one, यही निकलेगा ए डिवाइड बाई सी ई प्लस वन इक्वल्स ए ई डैश डिवाइडेड बाई सी ई डैश. दिस गिव्स ए ई, तो यहां क्रॉस मल्टीपल, ए ई प्लस सी ई डिवाइडेड बाई सी ई इंटू वन सी ई इक्वल्स, यहां भी ऐड करना है ए ई डैश, ऐसे ए ई डैश प्लस सी ई डैश डिवाइड बाई सी ई डैश. ठीक है, तो देखिए व्हाट इज ए ई प्लस सी ई. ए ई प्लस सी ई वो हुआ ए सी डिवाइडेड बाई सी ई प्लस या इक्वल टू, यहां है ए ई डैश. व्हाट इज ए ई डैश प्लस सी ई डैश. ए ई डैश प्लस सी ई डैश वो फिर से बना ए सी डिवाइड बाई सी ई डैश सी ई डैश. अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए. इफ ए सी इज इक्वल ए सी देन सी ई मस्ट बी सी ई डैश. ठीक है, फिर सी ई और सी ई डैश भी सेम होनी चाहिए. बट दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली वेन E dash coincides
ई, जब ई डैश और ई एक ही पॉइंट है तब ये वाली चीज पॉसिबल है, ठीक है। अब ई डैश क्या था, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, लेकिन ई डैश और ई एक ही चीज है, इट मीन्स दिस गिव्स डी ई इज पैरेलल टू बी सी, दिस प्रूव्स द थ्योरम। Thank you for watching this video. With regards, Bashir Ahmed Gojri. For more such videos, subscribe the YouTube channel titled Bashir Gojri.